हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो बाबू आपको दो समीकरण को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि का जरूरत पड़ेगा। और ये जो विलोपन विधि है बाबू, अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो हर एक जगह पे ये आपको काम देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम सोचे कि सबसे पहले आपको यही पढ़ा देते हैं विलोपन विधि क्या है और इससे सॉल्व करके दो, इसमें क्या होता है कि दो समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई का क्या करते हैं, मान निकालते हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तो आपको 100% सभी आपको समझ में आ जाएगा। जितना भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो आपको समझ में आएगा। फिर आप लोग जहां से मन करे वहां से अगर आप लोग को विलोपन विधि किसी भी बुक का आपको उठा के सॉल्व करना हो तो आप लोग 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे यहां पे लाइव आ चुके हैं, हम भी यहां पे लाइव आ चुके हैं। एडवोकेटल गर्ल बहुत बढ़िया, प्रेम ब्यूटी साकिब, प्रकाश भाई बहुत बढ़िया, जमजम भाई बहुत बढ़िया, सुजीत अंगद, मानसी ताहिर, सुजीत प्रेम भाई बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आ जाइए। गंगा झा, विद्या, विद्यांचल, विद्यांचल भाई बहुत बढ़िया, प्रेम सुजीत बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए क्लास को बाबू शुरू करते हैं, आपको विलोपन विधि सिखाते हैं कि विलोपन विधि से कैसे दो समीकरण को सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्स को बराबर किया जाता है या वाई वाई को बराबर किया जाता है, आप लोग अभी समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी अगर आप लोग कुछ समझ लीजिएगा तो उस समय बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। इसमें या तो x x को बराबर करेंगे या तो हम क्या करेंगे y y को बराबर करेंगे। अगर दोनों जगह पे आप लोग यहां पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर x वाला भी प्लस में हो और y वाला भी मतलब ऊपर में एगो x रहेगा नीचे में एगो x रहेगा, यानी दोनों प्लस में रहेगा तो हम लोगों को चिन्ह बदलना पड़ेगा, एगो माइनस में करना पड़ेगा एगो प्लस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे, आपको याद रखना है। चिन्ह बदलने के लिए आपको क्या करना है, समीकरण को घटाना है, ठीक है। चिन्ह बदलने के लिए समीकरण को आपको घटाना है, इसे आपको याद रखना है। और चिन्ह अगर आपको नहीं बदलना है तो समीकरण को आपको क्या करना है, जोड़ना है, इतना बस आप लोग याद रखिए। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले या तो आप x x को बराबर कीजिए या तो आप लोग y y को बराबर कीजिए, ठीक है। अगर दोनों मान लीजिए x x को आप लोग बराबर कर रहे हैं, दोनों का चिन्ह बाबू सेम है, या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, तो दोनों का चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समीकरण एक में से समीकरण दो को आपको घटाना पड़ेगा। अगर आपको चिन्ह नहीं बदलना है तो आपको क्या करना है कि समीकरण एक और समीकरण दो को आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये हल्का फुल्का बेसिक बाबू हम यहाँ पे बताए हैं। चलिए क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी पाइएगा। चलिए यहाँ पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बाबू कि x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 को विलोपन विधि से हल करें। काफी अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा, अगर आपको पहले से ही आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। आपको क्या करना है, अर्चना सिंह बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से आप लोग देखिए इसको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। कैसे आप लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है। और ये क्या है बाबू, हमारा समीकरण एक है और ये क्या है, हम लोगों का समीकरण दो है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण एक को लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे 5 है तो 5 कर देंगे, समीकरण एक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है बाबू, हम लोगों का समीकरण दो है तो इसको हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर यहाँ पे कितना है बाबू, एक है, तो इसको ये समीकरण दो है हमारा, तो समीकरण दो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा और अच्छा लगेगा। तो ये हम क्या किए बाबू कि जो समीकरण एक है उसको लिख दिए, जो समीकरण दो है उसको हम यहाँ पे लिख दिए। बहुत सारे बच्चे बना भी लिए, आंसर भी निकाल लिए, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए बाबू इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले देखिए हमको x x को बराबर करना है या तो आप लोग y y को बराबर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बाबू कि यहाँ पे x x भी बराबर है, y y भी बराबर है, दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है। तो अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, ये देखिए ये x x है,
तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह प्लस है, बराबर अगर आपको मान लीजिए कि एक्स एक्स ले रहे हैं तो दोनों का चिन्ह क्या है बाबू, प्लस है, तो ये कटेगा नहीं, जुट जाएगा, ठीक है। एक से एक्स कितना हो जाएगा, एगो एक्स दो गो एक्स हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पहला वाला को कटाना है आपको, तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। अगर पहले वाले को कटाना है, देखिए दोनों यहां भी कुछ भी नहीं है तो प्लस है, यहां भी कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो अगर आपको पहले वाला कटाना है तो बाबू आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। वाई वाई अब इसको तो छोड़ देते हैं, अब वाई पे आते हैं। वाई वाला अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पे वाई प्लस में है, यहां पे माइनस में है, यहां पे आपको चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, आप लोग फटाक से कटा के आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों एक ही क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों आपको बराबर करके दिखाएंगे और दोनों तरीका से हम क्या करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, तो सबसे पहले हम एक्स को बराबर करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहां पे बने रहिए, काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पे एक्स को बराबर करते हैं, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए। तो देखिए x भी प्लस में है, यहां पे देखिए x x तो सबसे पहले बराबर है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो बाबू दोनों प्लस में तो कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, एगो के माइनस में करना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने के लिए बाबू हम आपको क्या किए थे, बोले थे कि समीकरण एक में से आपको समीकरण दो को घटाना है, अगर आपको चिन्ह नहीं बदलना है तो दोनों को आपको जोड़ना है, आपको यही बात याद रखना है। अगर आपको अगर चिन्ह बदलना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो दोनों बाबू यहां पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे कि इसका चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे, ठीक है, चिन्ह बदलना होगा तब। तो हम यहां पे लिखेंगे बाबू समीकरण एक, यहां पे देखिए समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, बस आपको यही लिख देना है। अगर आपको चिन्ह बदलना है बाबू, पहला वाला को कटाना है, यहां का चिन्ह बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में से समीकरण दो को आपको घटाना पड़ेगा। अब यहां पे आप लोग समीकरण एक लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर यहां पे पांच है, ये हमारा समीकरण एक हो गया, और एक्स माइनस वाई, अब इसके नीचे समीकरण दो लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर एक, ये हमारा समीकरण दो हो गया। अब देखिए चिन्ह बदलना है, यानी बीच में अगर माइनस आया, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाना है, तो चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह देखिए कैसे बदलेगा, यहां पे अब नीचे वाला, ऊपर वाला से मतलब नहीं है हमको, नीचे वाला से मतलब है, ध्यान से देखिए, यहां पे प्लस है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका। यहां पे कुछ भी नहीं है, प्लस है, तो प्लस की जगह पे आपको नीचे माइनस लिखना है, यहां पे माइनस है तो बाबू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां भी कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस है, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बाबू ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये वाला चिन्ह खत्म हो गया, अब x माइनस में हो गया, y प्लस में हो गया, एक फिर यहां पे क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस x है और ये माइनस x हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये जो माइनस है ना बाबू, ये खत्म हो गया, अब जो ये y है, अब ये प्लस में हो गया, तो एगो y एगो y बाबू दोनों प्लस में है ना, तो एगो y कितना गो y हो जाएगा, दो गो y हो जाएगा। अब देखिए ये एक बाबू क्या हो गया, हम लोगों का माइनस हो गया, यानी पांच में से बाबू एक घट जाएगा, कितना बचेगा, चार बचेगा। अब दो देखिए इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी y बराबर चार बट्टा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो से चार बाबू कितना बार में कटेगा, दो बार में कटेगा, तो y का मान कितना निकल गया, दो निकल गया। y का मान यहां पे प्रॉपर हम लोगों का दो निकल चुका है। अब इस y के मान को आपको क्या करना है, आप लोग समीकरण एक में भी रख सकते हैं, समीकरण दो में भी रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बाबू, इस y के मान को हम समीकरण एक में रखेंगे। तो चलिए यहां पे हम लिख देंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब क्या करना है बाबू, y का जो मान है इसको आपको समीकरण एक में रखना है। तो समीकरण एक में रखना है तो सबसे पहले आपको समीकरण एक लेना पड़ेगा यहां पे। तो देखिए समीकरण एक लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर पांच है, तो यहां पे लिख देंगे पांच, ये समीकरण एक है तो एक लिख देते हैं। y का मान बाबू कितना है, दो है, तो जहां पे y है वहां पे आपको दो लिख देना है, x है तो x, प्लस है तो प्लस, y के जगह पे आपको दो लिख देना है, पांच है तो पांच आपको लिख देना। अब आपको x का मान निकालना है तो प्लस दो को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस बाबू इधर दो है तो बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, पांच पहले से ही है, अब प्लस दो इसके बाद जाएगा तो बाबू ये माइनस दो हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल गया, तीन निकल गया। ये तो हो गया हम लोगों का x का मान यहाँ पे तीन, अब y का मान बाबू कितना निकला है, दो निकला है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया विलोपन विधि से। ये तो हम क्या किए हैं,
कि यहाँ पे x x को बराबर करके हम यहाँ पे मान इसका निकाले हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए x x बराबर है तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या है बाबू प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में होगा तो आपको माइनस में करना पड़ेगा, तबे तो कटेगा, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में, तो आपको क्या करना है इसका चिन्ह बदलना है। तो आपको जब भी चिन्ह बदलने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि समीकरण एक में से आपको समीकरण दो को घटाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस है, तो प्लस तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस है तो बाबू ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं था प्लस था तो यहाँ पे भी ये माइनस हो गया। अब जो इसका ऊपर वाला चिन्ह है ये खत्म हो जाएगा, अब जो नीचे वाला नया जो हम लोग चिन्ह लगाए हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स माइनस में हो जाएगा, ऊपर में प्लस है तो प्लस माइनस कट जाएगा, ऊपर वाई प्लस है, ऊपर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस आपको नीचे वाला ही बदलना है। ऊपर में क्या है बाबू वाई है और नीचे में भी प्लस वाई है क्योंकि नया वाला चिन्ह हम लोगों का प्लस है, तो एक वाई दो वाई हो गया। अब पांच में से बाबू अब इसका नया चिन्ह हो गया है बाबू माइनस, यानी ये माइनस एक हो गया, पांच में से एक घट जाएगा चार। अब यहां से वाई का मान दो निकलेगा, इस मान को आप समीकरण एक या समीकरण दो किसी में भी रख सकते हैं, आपका यहां से एक्स का मान निकल जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा सर ये तो एक्स एक्स बराबर कर दिए, अब वाई को करके दिखाइए कि वाई को हम लोग कैसे यहां पे बराबर कर सकते हैं। तो चलिए वाई को भी यहां पे बदल के बताते हैं कैसे यहां पे होगा। यहां पे पहला समीकरण लिखते हैं x प्लस वाई बराबर पांच, ये हमारा समीकरण एक हो गया, ये हमारा समीकरण दो है, x माइनस वाई बराबर एक, ये हमारा समीकरण दो है। अब देखिए हम तो y y को बराबर करके आपको बता दी कि कैसे इसका मान निकलेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा चिन्ह बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग देखिए y y भी क्या है बाबू बराबर है, और यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, अलग अलग है ना बाबू, ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, प्लस वाई माइनस वाई तो ऐसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह नहीं बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, समीकरण एक प्लस समीकरण दो से कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर वही चिन्ह बदलना पड़ेगा तो आपको घटाना पड़ेगा। तो अगर हम वाई वाई को बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, बाबू आपको चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, वाई वाई एकदम बराबर है। तो आपको क्या करना है सिंपल, आपको अगर वाई को बराबर करना है तो चिन्ह नहीं बदलना है, तो समीकरण एक प्लस आपको क्या करना है समीकरण दो कर देना है, यानी समीकरण एक और समीकरण दो को आपको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं, यहां पे आप लोग समीकरण एक लिख दीजिए x plus y बराबर 5, ये समीकरण एक हो गया, नीचे वाला क्या है बाबू x minus y बराबर 1, ये हमारा समीकरण दो हो गया, हो गया। अब देखिए इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों चिन्ह नहीं बदलेगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे समीकरण एक समीकरण को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह आपको नहीं बदलना है, चिन्ह उसी में बदलना है जहां पे माइनस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए अगर x x वाला बराबर किए थे तो यहाँ पे हमको चिन्ह बदलना था, तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाए थे, तो जिसमें अगर घटाएंगे तो उसमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, अगर जोड़ेंगे दोनों समीकरण को तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एगो एक्स जोड़ रहे हैं ना, तो एगो एक्स कितना हो जाएगा दो एक्स हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पांच गो आएगो कितना हो जाएगा छह गो हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो दो इधर गुणा कर रहे इधर आके भाग करेगा, x बराबर कितना हो जाएगा छह बट्टा दो, और दो से छह बाबू कितना बार में कटेगा तीन बार में, x का मान कितना निकल गया तीन निकल गया। अब इस x के मान आप लोग समीकरण एक में भी रख सकते हैं समीकरण दो में भी रख सकते हैं, तो चलिए हम समीकरण एक में रख देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर चले समीकरण एक क्या है बाबू हम लोग का ये रहा, तो ये है x प्लस वाई बराबर कितना है पांच है। अब x का मान बाबू तीन आया है तो जहां पे x है ना वहां पे बस आपको तीन रख देना है, क्योंकि x का मान तीन है तो x के सामने यानी x के जगह पे आपको तीन लिख देना है, प्लस वाई है तो यहाँ पे प्लस वाई लिख देंगे, पांच है तो पांच। अब आपको y का मान निकालना है तो तीन इधर जोड़ रहा है बाबू, इधर जाके क्या करेगा घटा देगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा बाबू पांच पहले से है, तो जो पहले से उसको आपको लिखना है, उसको ये नहीं कि तीन के बाद लिखे, नहीं जो पहले से उसको लिख देंगे। अब प्लस तीन है बाबू बराबर किधर जाएगा, तो ये माइनस तीन हो जाएगा, वाई बराबर कितना निकल जाएगा, तो वाई बराबर यहाँ पे पांच में से तीन घटेगा दो निकलेगा, और एक्स का मान कितना निकला है बाबू तीन निकला है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ से आपको समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग बताइए। ब्यूटी बहुत बढ़िया, निकिता कुमारी, सबीना खातून, साबिर भाई, एजुकेटेड गर्ल, बबलू बहुत बढ़िया, ताहिर भाई, मिथुन राज भाई, प्रियांशु,
चलिए मानसी कुमारी बहुत बढ़िया, चंदन भाई बहुत बढ़िया, ठीक है समझ में आ गया बाबू कैसे आपको बनाना है, जल्दी से एक बार आप लोग बताइए समझ में आ गया ना कैसे आपको बनाना है, जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे, एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक बार आप लोग जल्दी बता दीजिए, वीडियो को भी आपको लाइक यहाँ पे कर देना है, बस इसमें सोचना क्या है बाबू कि अगर आपको चिन्ह बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा, चिन्ह बदलने के लिए माइनस आपको समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाना पड़ेगा, अगर आपको चिन्ह नहीं बदलना है तो दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब तो ये हो गया हलवा क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा भारी में चलते हैं बाबू, ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया था, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हल लिख देंगे, जो समीकरण ये एक है और ये दो है तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आपको बताते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर चार है, ये समीकरण एक है और ये क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए दो एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे साथ है, ये समीकरण हम लोगों का दो है। अब आप लोग देखिए इसमें किसको हम बराबर करेंगे, सबसे पहले आपको x या y किसी एक को आपको बराबर करना है, तो यहाँ पे देखिए एक गो x है, यहाँ पे दो गो x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा x या y किसी में दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जी x को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन y पहले से ही बराबर यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको बराबर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक गो x है, यहाँ पे दो गो x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो दोनों में से या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए, तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे तो y खुदे बराबर है, उसको बराबर करना ही नहीं पड़ेगा, बस दोनों का चिन्ह क्या है बाबू, प्लस में है, तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, यही बस आपको देखना है, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो एक बार हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, फिर एक बार हम x वाले को बराबर करके हल निकाल के उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले देखना है बनाते समय कि बराबर करना है, x को बराबर करना है, तो इसको बराबर करने में बाबू टाइम लगेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, लेकिन यहाँ पे y y पहले से बराबर है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, y y को कटाएंगे, तो लेकिन दोनों का चिन्ह प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाना पड़ेगा चिन्ह बदलने के लिए, तो यहां पे हम लिख देंगे बाबू, आप लोग ध्यान से देखिए, समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, यानी समीकरण एक में से हम क्या करेंगे, समीकरण दो को घटा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग समीकरण एक लिख दीजिए, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे चार, ये समीकरण एक हो गया, ये क्या है बाबू हम लोगों का 2x प्लस वाई बराबर यहाँ पे सात, ये हो गया हम लोगों का समीकरण दो। अब देखिए चिन्ह यहाँ पे आपको क्या करना है, घटाना है, तो घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे बाबू कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो बाबू इसके नीचे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो बाबू क्या हो जाएगा माइनस, जस्ट इसका उल्टा आपको कर देना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहां भी कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे प्लस होता है, तो प्लस यहां भी है तो बाबू क्या हो जाएगा माइनस, अब ये हमारा चिन्ह बदल चुका है, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा बाबू हम लोगों का कट जाएगा। अब आप लोग देखिएगा यहां पे, तो ये हो गया बाबू हम लोगों का क्या हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का आगे यहाँ पे प्लस एक्स है और नीचे में अब इसका जो चिन्ह है बाबू ये माइनस टू एक्स हो गया, यानी ए गो एक्स अपने पास है और दो गो एक्स कर्जा है बाबू, तो दो गो एक्स पहले से कर्जा है, ए गो एक्स हम लोगों के पास है, तो ए गो एक्स दे देंगे तो कर्जा बाबू कितना बचेगा, ए गो एक्स बचेगा, यानी माइनस ए गो एक्स बचेगा, अब ये तो वाई वाई कट गया बराबर, अब देखिए चार गो अपने पास है, इसके आगे कुछ भी नहीं चिन्ह है तो ये प्लस में है, अब ये क्या हो गया बाबू, जो यहाँ पे सात था अब ये माइनस सात हो गया, नया यहाँ पे चिन्ह लग चुका है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है बाबू, आप लोगों का प्लस यहां पे चार है और यहां पे माइनस सात है, यानी चार गो अपने पास है, सात गो कर जाए, तो सात गो कर जाए, चार गो है तो हमारे पास, तो चार गो दे देंगे तो कितना बचेगा बाबू, तीन गो कर्जा बचेगा, तो यहां पे माइनस तीन लिख देंगे, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स का मान कितना निकल गया, तीन निकल गया, ये एक्स का मान कितना निकला, तीन निकला, इस एक्स के मान को आप लोग समीकरण एक में भी रख सकते हैं, समीकरण दो में भी रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स के मान को हम समीकरण एक में रखेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे एक्स का मान समीकरण एक में रखने, एक में रखने पर, यहां पे हम समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण एक क्या है, तो x प्लस वाई
बराबर कितना है बाबू, चार है। अब देखिए x का मान कितना निकला है, x का मान तीन निकला है, तो जहां x है वहां पे आपको तीन लिख देना है, प्लस y है तो आपको y लिख देना है, चार है तो आपको चार लिख देना है। अब देखिए y का आपको मान निकालना है, तो प्लस इधर तीन है बाबू, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा, तो y इधर अब बचेगा, बराबर है तो बराबर, पहले से चार है तो चार, और ये प्लस तीन बाबू बराबर किधर आएगा, तो ये माइनस तीन हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, चार में से तीन घटा एक बचेगा, तो y का मान एक निकल गया और x का मान बाबू कितना निकला है, तीन निकला है। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, बन जाएगा बाबू। इसमें बस आपको क्या करना है, अगर y y देखिए बराबर है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो आपको दोनों का इस अब आपको इधर बराबर करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को बराबर करना है, तो ये पहले से ही बराबर दिया है तो बस हो गया, ये पहले से बराबर है। अब इसका चिन्ह हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों प्लस प्लस में, तो आपको चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण एक यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे समीकरण दो हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अब आपको यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं था, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस दो है तो बाबू यहाँ पे माइनस दो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस उल्टा जस्ट आपको करना है, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी सात के पहले कुछ भी नहीं था, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे भी प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। अब यहाँ पे एक गो एक्स प्लस में है और दो गो एक्स माइनस में, अब इसका आगे वाला चिन्ह बाबू ये खत्म हो जाता है, ये वाला चिन्ह खत्म, अब जो नीचे वाला है वही होगा, यानी यहाँ पे दो एक्स है, एक गो एक्स अपने पास है, दो गो एक्स बाबू कर जाए तो इसको दे देंगे बाबू, एक गो एक्स दे देंगे तो एक और ही कर्जा बचेगा, यानी माइनस एक्स हो गया, चार गो अपने पास है और सात गो कर जाए तो चार गो दे देंगे तो तीन गो कर्जा बचेगा, यानी माइनस तीन बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स का मान यहाँ पे तीन गो, यहाँ पे एक्स एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इसी का मान हम क्या किए बाबू, समीकरण एक में रख दिए, तो हम लोग का y का मान निकल चुका है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बाबू, आप लोग देखिए इसी क्वेश्चन को करेंगे कि यहां पे देखिए पहले लिख देते हैं x plus y बराबर यहां पे 4 है, तो 4 ये हमारा समीकरण एक, और ये क्या है बाबू यहां पे 2x प्लस वाई बराबर सात। अब अगर आप लोग बोलिएगा कि सर हम y को सर छोड़िए, आप x बराबर करके आंसर निकालिए, तो y तो हम निकाल दिए, इसका तो हम अभी निकाले थे, कैसे निकलेगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि सर y को छोड़िए, x को आप बराबर कीजिए, आंसर निकालिए, तो कैसे निकलेगा बाबू। तो यहाँ पे देखिए दो गो एक्स है और यहाँ पे बाबू एक गो एक्स है, तो इसको अब आपको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको गुणा ही करना है, आपको जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, आपको गुणा ही करना है बराबर के लिए, ये आपको याद रखना है। तो x को अगर देखिए x में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो x में 2 से गुणा करेंगे तो बाबू ये 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां भी 2x हो जाएगा, यहां भी 2x हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग केवल x में करिएगा गुणा तो गलत हो जाएगा, आपको गुणा करना है तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, यानी सब में गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको समीकरण एक में किससे गुणा करना पड़ेगा, दो से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब ये 2x मान लीजिए कि हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना है, तो इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलने के लिए आपको घटाना भी पड़ेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, आप लोग समझ के, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाबू यहां पे समीकरण एक में आपको क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण एक में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे 2x लाने के लिए यहाँ पे तो हमको 2x करना पड़ेगा ना, बराबर करना है, तो यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण एक में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब फिर चिन्ह बदलने के लिए आपको घटाना भी पड़ेगा समीकरण 2 से। समझ में आया कि नहीं, बस आपको यही आपको करना है। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि x x को बराबर करने के लिए यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि समीकरण एक में, यानी पूरा में, एको में गुणा नहीं करना है, पूरा में गुणा करना है, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर बराबर हो गया बाबू, यहाँ भी 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्लस में है, तो आपको समीकरण में से आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में से आपको समीकरण दो को आपको घटाना पड़ेगा, यानी जो बीच वाला है ये आपको माइनस लिखना पड़ेगा। अब चलिए अब आपको यहाँ पे लिखना है ना, तो इसमें अब आपको दो गुणा
का यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। तो x में बाबू 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। आपको पता है कि नहीं, x में 2 से गुणा होता है तो 2x हो जाता है। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे y में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 में y से गुणा करेंगे तो ये भी 2y हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में बाबू आपको यहाँ पे रखना होगा। फिर y में 2 से गुणा करेंगे, आगे देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y में 2 से गुणा करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी समीकरण 1 में हम क्या कर दिए हैं, 2 से यहाँ पे गुणा कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए समीकरण 1 गुणे 2, यानी पूरा समीकरण में हम 2 से गुणा कर दिए हैं। और समीकरण 2 में तो आपको कुछ गुणा उड़ा नहीं ना करना है, तो इसको आपको ज्यों के त्यों आपको उतार देना है। 2x प्लस y बराबर यहाँ पे 7। समीकरण 1 2 में आपको कुछ नहीं करना था, आपको छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है बाबू, चिन्ह बदलना है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो बीच में आपको माइनस लिखना पड़ेगा, यानी चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब देखिए ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब जो ये वाला चिन्ह है ना बाबू, ये खत्म हो गया। ये क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया। इसके आगे का भी चिन्ह खत्म हो गया। अब देखिए ये माइनस 2 हो गया, 2x हो गया, ये माइनस y हो गया, और ये माइनस 7 हो गया। ये चिन्ह हम लोग क्या कर दिए, इसका बदल दिए। अब देखिए ये प्लस 2x और ये माइनस 2x कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में 2 गो y प्लस में, यानी 2 गो हमारे पास y है, एक गो क्या है बाबू यहाँ पे देखिए 2 गो y में से एक गो y बाबू घट जाएगा, तो 2 गो y में से एक y घट गया तो एक गो y बचेगा। 8 में से बाबू 7, यहाँ पे 7 अब माइनस में हो गया है तो 8 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। नहीं, y का मान कितना निकल गया, एक निकल गया। अब इस एक के मान को आप एक में भी रख सकते हैं, दो में भी आप लोग रख सकते हैं। तो y के मान को हम क्या करते हैं बाबू, समीकरण एक में रख देते हैं, जो आपको इजी लगेगा उसी में रख दीजिएगा। y का यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक क्या है बाबू, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ये हम लोगों का समीकरण एक हो गया। y के जगह पे आपको एक रखना है तो x को आपको वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि x का मान नहीं पता है, y का मान एक है, तो y के जगह पे एक लिख देंगे। बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4। अब देखिए x का मान निकालना है तो प्लस एक को बराबर के उधर भेज देंगे, तो इधर हमारा x बचेगा बीच में बराबर, इधर 4 है तो 4 लिख देंगे, और ये प्लस एक बाबू बराबर की इधर आएगा तो माइनस एक हो जाएगा। तो x बराबर 4 में से एक निकला 3, अब y का मान कितना निकला है, एक निकला है। ऐसे भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। दोनों तरीका से हम आप लोग को यहाँ पे आंसर निकालने का यहाँ पे बता चुके हैं। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, समझ में आ गया कैसे आपको बनाना है बाबू, जल्दी से एक बार आप लोग बताइए। निषाद वंशी बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। ताजुद्दीन भाई, एजुकेटेड गर्ल, अंगद बहुत बढ़िया। दोनों तरीका से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसको बराबर करना है तो बाबू इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग तेज हैं तो आप लोग सोचेंगे कि वाई वाई बराबर है तो वाई को क्यों नहीं, अब बराबर है इसमें गुणा भाग क्या करना है, डायरेक्ट वाई को यहाँ पे बराबर कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, अब वाई तो यहाँ पे बराबर है लेकिन एक पेंच फंसेगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलने के लिए समीकरण एक में से समीकरण दो को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, ये रहा हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बाबू, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग हल लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण एक है और ये हमारा समीकरण दो है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5 है, ये हमारा समीकरण एक हो गया। ये हमारा समीकरण दो है, यानी 2x माइनस 3y बराबर यहाँ पे 4 है, ये समीकरण दो हो गया। अब आप लोग बताइए कि इसमें हम किसको बराबर करें, इसमें अब आपको यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, बताइए हम किसको बराबर करें। आप जो लोग बताइएगा, आप जो बताइएगा उसी को हम बराबर करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि किसको हम बराबर करें, x को बराबर करें कि y को बराबर करें। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए किसको हम बराबर करें, x को बराबर करें या y को बराबर करें, जल्दी से आप लोग बताइए।
अब इसमें आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला बात यह है, अब आप लोग हमारा बात सुन लीजिए, कमेंट से ध्यान हटा के यहां पे आप लोग देखिए कि अगर हम x को बराबर करेंगे तो यहां पे दो है बाबू, तो इसको दो बनाने के लिए इसमें दो से गुणा करना पड़ेगा ना, तो यहां पे देखिए यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा बाबू, तो हम लोगों को चिन्ह बदलना पड़ेगा, नहीं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाना पड़ेगा। अगर हम वाई देखिए यहां पर तीन है वाई, अगर हम इस सब में तीन से गुणा कर देंगे तो यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, हम लोगों को चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। तो दोनों में एक एडवांटेज है, जल्दी से आप लोग बताइए, अगर हम y को बराबर करेंगे, ध्यान से आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, यहां पे x है यहां पे बाबू क्या है अपना 2x है, अगर समीकरण एक में पूरा में 2 से गुणा करेंगे तो यहां पे 2x हो जाएगा, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग y को बदलिएगा तो यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, इसमें चिन्ह आपको नहीं बदलना पड़ेगा। तो यहां पे y को 3 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम y को बराबर करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि समीकरण एक में यहां पे 3y है ना, तो यहां पे 3 आपको लाना पड़ेगा, तो समीकरण एक में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, यहां पे देखिए समीकरण 1 गुणे 3 यानी समीकरण 1 में आपको 3 से गुणा करना, यानी पूरा में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और चिन्ह दोनों का बाबू अलग अलग है, तो इसमें चिन्ह एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलना है, तो आपको बीच में क्या लिखना पड़ेगा, प्लस और समीकरण यहां पे 2 से, अगर चिन्ह बदलना होता तो यहां पे बीच में हम लोग माइनस लिखते। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब समीकरण 1 में आपको 3 से गुणा करके लिखना है, तो 3 में 3 से अब x में गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 में y से गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा बराबर, और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, यानी समीकरण 1 में हम क्या कर दिए हैं 3 से यहां पे गुणा कर दिए हैं। अब दूसरा में आपको क्या करना है, कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है, उसको आपको वैसे ही उतार देना है, 2x माइनस 3y अब बराबर यहां पे 4, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहां पे चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा बाबू, क्योंकि हम बीच में प्लस लिखे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस 3y माइनस 3y बाबू अपना कट जाएगा, जोड़ना है समीकरण को तो 3 गो x और 2 गो x, कितना गो x हो जाएगा बाबू, तो 3 गो x और 2 गो x 5 गो x हो जाएगा, अब 15 गो 4 गो बाबू कितना हो जाएगा, तो 15 गो 4 गो आप लोग बोलिएगा कि सर जी 19 गो हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है तो 5 इधर गुणा कर रहे, इधर जाके भाग करेगा, नहीं x बराबर कितना हो जाएगा 19 बटा 5, ये हो गया हम लोगों का x का मान निकल गया। अब इस x के मान को आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो जल्दी निकलेगा, तो यहां पे क्या करना है बाबू, जो इजी है उसी में आपको रखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे बाबू, समीकरण 1 क्या है हमारा, तो ये है x प्लस वाई बराबर यहां पे कितना है 5 है। अब x के जगह पे आपको कितना रख देना है बाबू, 19 बटा 5 है, तो x के जगह पे हम 19 बटा 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर किधर 5 है, तो आपको 5 लिख देना है। अब देखिए हमको y का मान निकालना है, तो इधर 19 बटा 5 जोड़ रहे, तो बाबू इधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, नहीं इधर से बचेगा हमारा वाई, इधर से क्या है बाबू हमारा 5 पहले है, और प्लस 19 बटा 5 बाबू बराबर किधर जाएगा, तो ये माइनस 19 बटा 5 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं, अब ये हो गया हम लोगों का बट्टा का घटाव, एक का 5 का लघुतम कितना होगा 5 होगा, एक से 5 जब कटाएंगे कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो यहां पे गुणा करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 50 25 माइनस 5 से 5 कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 19 में एक से गुणा करेंगे तो ये 19 रहेगा, y बराबर कितना हो जाएगा 25 में से 19 घटाएंगे 6 बचेगा, अब बट्टा के नीचे 5 बचेगा, और x का मान कितना निकल गया 19 बटा 5, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए 19 बटा 5 और y का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का 6 बटा 5। ठीक है, समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया ना, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा कि किसको हम बराबर करें या किस में गुणा करें कि जल्दी आ जाए। ठीक है, अगर इसको बराबर करते फिर यहां पे चिन्ह बदलना पड़ता, सबका प्लस माइनस आपको करना पड़ता, तो चिन्ह यहां पे अगर इसको बराबर कीजिएगा तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये सर 4 नंबर क्वेश्चन है, छूट गया है, चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है, नंबरिंग डालना यहां पे छोड़ दिए, चलिए ये 4 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है। ये
ये कितना नंबर है बाबू? चार नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू हल लिखेंगे, और ये देखिए यहाँ पे 3x है और प्लस यहाँ पे 4y है, बराबर किधर 10 है। ये हमारा समीकरण एक हो गया। अब इसको देखिए हम लोग, यहाँ पे देखिए 2x है अब माइनस यहाँ पे 2y है, अब बराबर किधर 2 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए अब किसको बराबर किया जाएगा, किसको बराबर करेंगे तो जल्दी से आंसर निकलेगा, ये हम आप पे छोड़ते हैं। आप लोग जल्दी बताइए कि किसको हम लोग क्या करेंगे बाबू? हलवा पूड़ी है सर जी, हलवा पूड़ी है अगर आप लोग, अक्षय श्रीवास्तव सर आपकी वजह से मेरा 471 आया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं सर जी। थैंक यू, थैंक यू भाई, 471 नंबर लाए हैं तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ से पढ़ के, और जो नए बच्चे हैं वो भी पढ़ के काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए किसको बाबू बदला जाए, किसको जल्दी से, एक्स या वाई? एक्स को। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बाबू यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। तो इसमें अगर आप लोगों को समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है सोचने में, तो इसको छोड़िए, अब इस पे आइए, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो बाबू बराबर हो सकते हैं कि नहीं? इस 2 को हम 4 कर सकते हैं, तो 2 को 4 करने के लिए आपको यहाँ पे पहले से 2 है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा ही करना है, जोड़ना नहीं है। तो अब आपको 2 में क्या गुणा करना है कि बाबू 4 आ जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा कि सर जी 2 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 4 आएगा। आपको क्या करना है, जो विलोपन विधि है बाबू इसमें गुणा ही करना है, दूसरा कुछ आपको जोड़ना घटाना नहीं है, बस गुणा करना है। अब यहां पे देखिए हम लोग अगर इसको इसको देखेंगे तो बाबू ज्यादा टाइम लगेगा बराबर करने में, लेकिन इसको भी हम बराबर कर गए, जस्ट अभी बताएंगे इससे बना लेते हैं, उसके बाद इसको भी बराबर करके आंसर निकालेंगे। अब देखिए ये हम लोगों का क्या है बाबू, यहां पे 4 है यहां पे 2 है, तो 2 में अब आपको क्या करना है, गुणा ही करना है, कि 2 में क्या गुणा करेगी बाबू 4 आ जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा कि सर 2 में 2 से अगर आप लोग गुणा कर दीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आपको समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, और दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको क्या करना है, समीकरण 1 में अब आपको कुछ नहीं गुणा करना है, समीकरण 1 में आपको कुछ नहीं ना गुणा करना है, गुणा किस में करना है, तो आपको समीकरण 2 में करना है। तो यहां पे अब आपको लिखना पड़ेगा समीकरण यहां पे 1, और देखिए समीकरण 1 1 में तो आपको गुणा वड़ा नहीं करना, अब यहां पे प्लस या माइनस लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखें, यहां भी प्लस है यहां पे माइनस है, यानी आपको चिन्ह नहीं बदलना है, तो आपको यहां पे बीच में प्लस लिखना है। और समीकरण 2 में अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए समीकरण 2 में अब आपको क्या करना है, पूरा में आपको 2 से गुणा करना है तब 4 आएगा, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 × 4। समीकरण 1 में आपको कुछ नहीं करना है, सबको आपको उतार देना है, 3x प्लस यहाँ पे 4y बराबर यहाँ पे 10, ये हम लोगों का हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 में अब आपको क्या करना है, 4 से यहाँ पे समीकरण 2 में अब आपको सॉरी 2 से गुणा करना है ना जी, समीकरण 2 में अब आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है, यानी सब में आपको 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 2 पहले से ही है, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे 2 पहले से ही है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 2 है तो 2 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी समीकरण 2 में क्या कर दिए, 2 से गुणा कर दिए। बीच में बाबू प्लस है तो चिन्ह आपको नहीं बदलना है, प्लस वाई 4y, अब माइनस 4y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 3 × x 4 × x कितना होगा, हो जाएगा 7 × x हो जाएगा, और 10 × 4 बाबू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 7 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा, 7 से 14 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, x का मान 2 निकल गया। अब इस x के मान आप लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख दीजिए, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखेंगे, समीकरण 1 क्या है बाबू, यहां पे 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है, तो यहां पे लिख देंगे 10। अब देखिए x का मान कितना निकला है, 2 निकला है, तो यहां पे देखिए 3 पहले से ही, तो 3 और आपको गुणा लगा के ही x का मान आपको रखना है, तो x का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 10 है तो 10। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस यहां पे 4y, अब बराबर इधर 10 है तो 10 लिख देंगे। अब देखिए अब आपको क्या करना है,
प्लस छः को आपको आपको वाई का मान निकालना है, तो सबसे पहले प्लस छः को बराबर के उधर भेजना है। तो इधर हमारा बचेगा बाबू चार वाई, अब बराबर के इधर पहले से दस है, अब प्लस छः वाई बाबू प्लस छः बाबू बराबर के उधर जाएगा तो माइनस छः हो जाएगा, यानी चार वाई बराबर दस में से छः घटेगा तो कितना बचेगा, चार बचेगा। अब आपको वाई का मान निकालना है तो चार इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा, चार, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाता है, तो चार बट्टा चार हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो वाई का मान एक निकल गया और x का मान कितना निकल गया बाबू, दो निकल गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो एक बार आप लोग यस लिखिए, समझ में आ गया तो गंगा झा एजुकेटेड गर्ल, साजिद खान भाई बहुत बढ़िया, राहुल भाई प्रजापति ब्यूटी, सबीना मुस्कान, साकिब, शिखा शर्मा, गुल्डी शर्मा की बहन, बीपीएससी, जय प्रकाश, ताजुद्दीन, मिथुन। चलिए ये तो आपको समझ में आया बाबू, हम क्या किए कि इसको बराबर कर दिए, बहुत ही इजी था, बराबर आप लोग कर दिए। अब आप लोग बोलिएगा कि सर इसको बराबर करके दिखाइए कि इसमें हम क्या गुणा करेंगे तो बराबर आएगा, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं बाबू, आपको बराबर करके दिखाते हैं दूसरा, मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, देखिए यहाँ पे 3x है और प्लस यहाँ पे 4y बराबर यहाँ पे 10, समीकरण एक हो गया। फिर इसको हम लिखेंगे बाबू यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर यहाँ पे 2, ये हो गया समीकरण 2, हो गया बाबू। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, ये हो गया बाबू हम लोगों का, अब देखिए इसको तो हम चार था, इसको हम दो से गुणा करके चार बना दिए, अब इसको इसको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग जल्दी से एक बार आप लोग बताइए कि इसको इसको अगर हम बराबर करना पड़ेगा बाबू, दो को हम तीन बना देंगे, नहीं बना पाएंगे, तीन को हम दो बना पाएंगे गुणा करके, तो नहीं बना पाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, एक बार आपको इसका पहाड़ा पढ़ना है, तीन का पहाड़ा आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें से जो भी बड़ा है ना उसका आप लोग पहाड़ा पढ़िए, तीन बड़ा है, दो और तीन में बाबू कौन बड़ा है, तीन बड़ा है, तो तीन का एक बार पहाड़ा पढ़िए, तीन एकम तीन और तीन दूनी कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा, तो ये मतलब तीन का पहाड़ा आपको पढ़ देना है, तीन दूनी कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। अब देखना है कि दो का दो से अब कितना बार गुणा करेंगे बाबू, तो दो में कितना गुणा करेंगे तो छः आएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि दो में अगर हम तीन से गुणा कर देंगे तो दो तिहाई कितना होता है, अगर इसमें तीन से गुणा कर देंगे तो ये छः हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है ध्यान से देखिए, यहां पे तीन है हम लोगों का, यहां पे दो है, बराबर करना है तो इसमें देखना है बाबू बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है बाबू, तीन है, तो तीन का एक बार आप तीन का तीन, तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा, नहीं एक बार पहाड़ा आपको पढ़ देना है, तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। अब आपको देखना है कि दो से छह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर नहीं कटेगा बाबू तो तीन का पहाड़ा एक बार और पढ़ेंगे, तो तीन दूनी छह, तीन त्रिका नौ, तीन बार पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों का तो कट रहा है ना, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, आपको एक इसका पहाड़ा एक बार पढ़ देना है, तो तीन दूनी छः हो गया। अब दो से कटाना है कि दो से छः कटता है कि नहीं, तो अब 100% कटता है, दो से यहाँ पे क्या 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 करना पड़ेगा, दो तिहाई छः, तीन बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको छः बनाना पड़ेगा और इसको भी छः बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तीन में क्या गुणा करेंगे तो छह आएगा, तो तीन में दो से गुणा कर देंगे तो छह आएगा, और दो में किससे गुणा करेंगे तो छह आएगा, तो देखिए दो में अगर हम तीन से गुणा करेंगे तो छह आएगा, यानी समीकरण एक में भी आपको गुणा करना पड़ेगा, समीकरण दो में भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बाबू कि नहीं आया, एक बार आप लोग बताइए कि ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, सभी बच्चे जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। थोड़ा सा बाबू मतलब थोड़ा सा ये टफ है, आपको तीन का पहाड़ा पढ़ देना है, तो तीन दूनी कितना होता है बाबू, तीन दूनी छः होता है, दो बार पढ़िए, तीन दूनी छः हो गया, देख लेना है कि इससे छः कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, तो अब हो गया, हम लोगों का छः ही बनाना है, छः ही बनाना है। अब देखिए इसको भी छः करना होगा, इसको भी छः करना होगा, तो तीन में क्या गुणा करेंगे तो छः आएगा, तो बोलिएगा सर तीन में दो से गुणा कर देंगे तो छः आएगा। अब दो को बाबू छः बनाना है, तो दो में क्या गुणा करेंगे तो छः आएगा, तो दो में तीन से गुणा करेंगे तो छः आएगा, तो बस हो गया। आपको समीकरण एक में दो से गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण दो में आपको किससे गुणा करना पड़ेगा,
तीन से आपको गुणा करना पड़ेगा, दोनों का चिन्ह प्लस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में घटाव का भी चिन्ह देना होगा। तो आपको क्या करना है, समीकरण यहां पे आप लोग लिखिएगा, समीकरण एक गुण है तीन को बाबू छह बनाना है, तो तीन दूनी होता है ना, यानी दो से आपको समीकरण एक में पूरा आपको दो से गुणा करना है और दोनों का चिन्ह बदलना है, तो माइनस फिर आपको समीकरण दो में अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण दो में दो को आपको छह बनाना है, तो दो तीन से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा से। इसीलिए बाबू बोलते हैं कि जो यहाँ पे ईजी आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसी को आपको बनाना है, उसी को आपको, ये कितना इजी बन गया, कितना जल्दी से बन गया, इसको बनाने में टाइम लग रहा है, ये बहुत ही जल्दी बन गया, तो जो आपको जल्दी बनता है उसी से आप लोग बनाइए, ठीक है। अब आपको समीकरण एक में अब आपको क्या करना है बाबू, इसमें पूरा समीकरण एक में दो से गुणा करना है, तो तीन में दो से गुणा करेंगे तो तीन दुनी छह एक हो जाएगा, फिर इसमें भी दो से गुणा करना पड़ेगा, चार दुनी यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस है तो प्लस, चार में दो से गुणा करेंगे तो चार दुनी कितना हो जाएगा आठ वाई हो जाएगा, इसमें भी दो से गुणा करना पड़ेगा दस दुनी बीस हो जाएगा, नहीं समीकरण एक में क्या कर दिए दो से गुणा कर दिए, अब समीकरण दो में आपको तीन से गुणा करना है, तो यहां पे दो है इसमें तीन से गुणा करना है, तो तीन दुनी कितना हो जाएगा छह एक हो जाएगा, माइनस है तो आप लोग माइनस लिख दीजिए, फिर इसमें तीन से गुणा करना पड़ेगा तो तीन दुनी कितना हो जाएगा छ वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे तीन से गुणा करना है तो दो तिहाई कितना हो जाएगा छह, यानी यहाँ पे हो गया हम लोग का छह, समीकरण दो में क्या कर दिए तीन से गुणा कर दिए कर दिए। अब देखिए बीच में माइनस है ना बाबू, तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे प्लस है तो बाबू ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस हो गया, अब ये वाला चिन्ह खत्म हो गया, ये आगे का चिन्ह अब ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, अब आपको ये ध्यान रखना है नया वाला चिन्ह बन गया प्लस 6x माइनस 6x कट गया 8 गोवाई अच्छे गोवाई, तो 8 गोवाई अच्छे गोवाई बाबू दोनों प्लस में, ये भी प्लस में है अब ये भी प्लस में, ये वाला चिन्ह खत्म, 8 गोवाई 6 गोवाई बाबू कितना गोवाई हो गया 14 गोवाई हो गया, अब 20 गो में से अब 6 बाबू माइनस में हो गया, तो 20 में से 6 घट गया कितना बचा 14 को बचा, अब वाई का मान निकालना है तो 14 इधर गुणा कर रहा इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा में चला जाएगा, तो 14 ये भी 14 आके इसके बट्टा के नीचे लगेगा, 14 से 14 एक बार में कट जाएगा, वाई का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। अब इस एक को क्या करना है, आप समीकरण एक में भी रख सकते हैं समीकरण दो में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण एक में रखेंगे y का मान, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दीजिए क्या है बाबू 3x है और प्लस यहां पे 4y है और यहां पे कितना है 10 है, y का अब मान रखना है, y का मान 1 है, x का तो नहीं ना पता है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस 4 y के जगह पे 1 रख देंगे और 10 है तो 10 लिख देंगे। अब देखिए यहां पे 3x 4 में 1 से गुणा करेंगे तो बाबू 4 होगा और यहाँ पे 10 है तो 10 लिख देंगे। अब देखिए प्लस 4 को बराबर के इधर भेज देंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 पहले से है, अब प्लस 4 बाबू बराबर के इधर आएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा। अब देखिए 3 इधर गुणा कर रहे इधर आके भाग करेगा यानी x बराबर 6 बटा यहाँ पे 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, y का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। हाँ जैसे मन आप लोग वैसे लिखिए, हम तो ऐसे लिख रहे हैं ये इजी है, इस तरीके से लिखेगा समीकरण एक गुणे दो और माइनस समीकरण, इसका भी मतलब वही हुआ जो आप बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखिए अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए, नंबरिंग यहां पे छूट गया है। अब ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व कर दीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे 2x और प्लस y बराबर यहाँ पे 5 है, ये हम लोगों का समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x और प्लस 2y अब बराबर यहाँ पे 8 है, ये समीकरण दो हो गया। अब आपको दिमाग लगाना है कि किसको बराबर करने में कम समय लगेगा, आप लोग बोलिए किसको बराबर करने में बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए किसको बराबर करने में बाबू कम समय लगेगा। किसको बराबर करने में बाबू कम समय लगेगा, जल्दी से एक बार आप बताइए।
वाई को, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, दो तीन को बराबर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना बाबू, इसको देखना पड़ेगा। दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, दो दूनी चार, तो तीन में चार नहीं आएगा, एक बार और पहाड़ा पढ़ेंगे, दो तीन छः, तीन दूनी छः, यानी छः छः करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग देखिए, यहाँ पे दो गो वाई है, यहाँ पे वाई है, तो अगर वाई को अगर हमको दो वाई बनाना है, तो इसमें बस आपको दो से गुणा कर देना है, और दोनों का प्लस प्लस में चिन्ह है, तो दोनों को आपको माइनस में कर देना, यानी आप क्या कीजिएगा कि वाई को बराबर कीजिएगा। तो वाई को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में दो से आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वाई बनाना है ना आपको, यहाँ पे दो वाई है, तो यहाँ पे आपको दो वाई बनाने के लिए आपको समीकरण एक में दो से गुणा करना पड़ेगा। दोनों का चिन्ह बाबू प्लस में है, यानी चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको, बीच में माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे समीकरण आप लोग दो लिखिएगा, और समीकरण दो में आपको कुछ गुणा भाग नहीं करना है, तो इसको आपको वैसे लिख के यहाँ पे से लिख दीजिएगा, ठीक है। समीकरण एक में आपको दो से गुणा करना है, तो यहाँ पे पहले ही दो है, तो इसमें दो से गुणा कीजिएगा, तो दो दूनी चार एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, y में 2 से गुणा कीजिएगा तो ये 2y हो जाएगा, और 2 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी समीकरण 1 गुणे कितना हो गया 2 हो गया, हो गया। अब यहां पे देखिए समीकरण आप लोगों का 2 में अब आपको कुछ नहीं करना है, तो यहां पे लिख दीजिए 3x + 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गया, हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना था, अब देखिए अब आपको क्या करना है, चिन्ह आपको बदलना है, बीच में माइनस है ना, चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये प्लस में है तो ये माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, यानी आपको उल्टा कर देना है। अब ये वाला चिन्ह यहां से खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए यहां पे क्या होगा, प्लस 2y, और ये अब इसका नया चिन्ह हो गया माइनस 2y, ये कट गया। अब देखिए यहां पे 4 गो x है, उसमें से 3 गो x घट जाएगा, तो बाबू 4 गो x में से 3 गो x घट गया, तो कितना एगो x बचा, तो हम लोगों के पास एगो x बचेगा। 8 गो यहां पे देखिए 10 गो है, 10 में से बाबू ये माइनस 8 हो गया, अब 10 में से 8 गो घट गया आएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी x का मान यहां से कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब इस 2 को आपको क्या करना है, x का मान इसमें रख दीजिएगा, तो y का मान आ जाएगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखते हैं एक, क्योंकि इजी है, यहां पे लिख देते हैं 2x और प्लस यहां पे y बराबर 5 हो गया। अब आपको क्या करना है कि x का मान रखना है, x का मान 2 है, तो यहां पे सबसे पहले 2 है तो 2 लिख दीजिए, x का मान कितना है, तो x का मान 2 है, तो यहां पे लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, y है तो y, और यहां पे 5 है तो 5। अब देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस यहां पे y, और बराबर की इधर 5। अब देखिए y इधर है बाबू, प्लस 4 है, इसको इधर हमको भेजना पड़ेगा, क्योंकि y का मान निकालना है, तो प्लस बाबू 4 उधर जाएगा, तो क्या कर देगा, घटा देगा, 5 माइनस 4 घट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x का मान कितना निकला है, 2 निकला, यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। कोचिंग का है छोड़ दी, कोचिंग पढ़ना चाहिए ना, क्लास करने के लिए कोचिंग छोड़ दिए। सॉरी सर लेट हो गया, लेट करते हैं आप लोग, बोलते हैं कि लेट हो गया। सबीना बहुत बढ़िया, गंगा झा, आसिफ, सुजीत, अक्षय, साबिर, समझ में आ गया कि नहीं। अब किसी भी प्रकार का इसमें का क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप बता दीजिए। यस सर क्लियर है, आकाश भाई बन जाएगा बाबू। स्कूल जाना है सर, अब दोपहर में मत कीजिएगा क्लास, ठीक है। द्विघात समीकरण हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इसका जरूरत पड़ता है इसीलिए बता दिए, नहीं तो वो सभी तो अभी हमको पढ़ाना ही है, वो हम पढ़ाएंगे ही। शहीदा खातून ठीक है, प्रियांशु, ताहिर, शिखा, शिखा समझ में आ गया। सीखा है गोल्डी की बहन, जिसका नंबर आया था 453 नंबर, पढ़ी थी, उसी की बहन है।
निषाद सर सुबह में क्लास कर नहीं पाता हूँ क्योंकि सुबह में कोचिंग जाना रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग जाना सबको तो काम ही है, उसी में आपको टाइम निकाल के पढ़ना रहेगा। दोपहर में तो बाबू अभी स्कूल खुलेगा तो बीच में तो 1 बजे शायद छुट्टी रहता है, देख लीजिएगा, उसी में आप लोग टाइम निकाल के इधर उधर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है बाबू, तो इसमें एक और क्वेश्चन रह रहा है, इसका पीडीएफ हम आपको भेज रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन रह रहा है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है, इसमें भी बराबर आपको नहीं करना पड़ेगा, एक्स एक्स बराबर है, आप लोग दिमाग लगाइएगा तो पकड़ लीजिएगा। यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, बराबर नहीं करना पड़ेगा, दोनों प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आपको घटा देना, आंसर निकल जाएगा। इसका पीडीएफ हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं, एक बार सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद विलोपन विधि आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।